भाई साहब ये देखो लंगूर खाएंगे अंगूर बंदूर लंगूर अंगूर। ये देखिए भाई क्या खा रहे हैं, मैं आप ये देखो कितनी प्यार से भाई कुछ खा रहा है, पन्नी के अंदर कुछ है लेकिन भाई ने पन्नी पहले जम्मार का फोन ले जाऊंगा मैं, लंगूर है पूंछ पे टिक जाओ और भाई देखो कहाँ मेरा भाई, यो देखो यार कहाँ की जगह बैठा हुआ है, ये देखो किस जगह भाई तार को पकड़ के बैठा हुआ भाई मेरा, कतई कितना जबरदस्त जगह बैठा हुआ यार, हद है खतरनाक पीछे लगा बैठा देखो। ओए होए भाई ये तरीके है भाई, यहाँ से गंगा जी का व्यू आ रहा था, कितना प्यारा व्यू आ रहा है मेरी का। कुल्फी खुशबू कुल्फी वाले भैया खुशबू की नहीं खाते हम तो खुशी की खावे हैं। तो भाई अंकित क्या हाल चाल है तेरे भाई, सब तो गई यार भाई भाई एक बड़ी गजब एक मुर्गी सी मुर्गा सा गया हुआ ना पहाड़ी मुर्गा। देखो भाई यहाँ से लक्ष्मण झूला दिख रहा है, वो जो आपको दिख रहा है ना उस जगह वहाँ वो लक्ष्मण झूला है या कहाँ चला गया, जूम फोकस नहीं करता सही से। तो गाइस आज की जो हमारी ट्रिप है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि वो जाम की भेंट ही चढ़ेगी पूरी की पूरी। अब वापस आ रहे थे शिवपुरी से तो वापस से जाम में फंस चुके हैं, ये देखिए आप यहाँ पे भी जाम पैक है एकदम भाई। अभी हम शॉर्टकट लेके आ गए बहुत बढ़िया रास्ते से, यहाँ पे जाम वाम मुझे नहीं लग रहा हमें मिल पाएगा। और बहुत ये देखो आप गंगा जी का नज़ारा देखो यार, यहाँ से गंगा जी कितनी प्यारी आ रही है, ये देखो आप मैं थोड़ा शीशा नीचे करता हूँ, शीशा डाउन हो जाए यार, हमारा वॉइस कमांड से शीशा नीचे होता है, हमारी गाड़ी इतनी अच्छी है भाई। ये देखो भाइयों ये है राम झूला जहाँ पर हम जाएंगे नहीं, हमने पहले यहाँ पे वीडियोस बनाई हुई हैं जो आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ये देखिए राम झूला कितना प्यारा यहाँ पे पूरा व्यू आ रहा है, ये भाई ये। तो भाई जा रहे हैं हम त्रिवेणी घाट आरती के लिए और आरती के परफेक्ट टाइम पे हैं, आरती होने लग रही है, मैं आप लोगों को भी जा करके थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा हूँ और लेकर के चलते हैं आपको आरती दिखाने के लिए त्रिवेणी घाट की। यहाँ पे जो आरती होती है गंगा जी की आरती होती है जो आप कह सकते हैं कि जो हर की पौड़ी पर होती है उसी की तरह की यहाँ पे भी आरती होती है त्रिवेणी घाट पर। तो बस यहाँ पे आरती तो हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे आपको भजन संध्या हो रही है वो दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा जूम करके डांस हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप श्री शिव पार्वती जी को। तो यार ये देखो अभी दो मिनट पहले तो यहाँ पे कितना भीड़ था और यहाँ पे अब
देख सकते हो आपकी बड़ी छीड़ सी होगी, छीड़ हो रखी है पूरी। और ये देखिए श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाते हुए यहाँ पर मुझे विराजमान किए गए हैं। ये सामने जूता रखने के लिए यहाँ पे जूता घर है, यहाँ पे जूता रख के आप इधर आके आरती में शामिल हो सकते हैं आप। तो गाइस यहाँ पे आरती में आपको दिखा चुका हूँ, अब चल रहे हैं हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर, देखते हैं टाइम बचा है तो फिर जाएंगे हर की पौड़ी पर। वैसे प्रोग्राम तो है कि हर की पौड़ी पर स्नान करके चलेंगे क्योंकि हम कपड़े वपड़े तो लेकर के आए हैं, है ना। तो अब चल रहे हैं सीधा यहाँ से, अब देखते हैं कितना समय लगता है। वैसे अब तो ट्रैफिक कम ही मिलना चाहिए त्रिवेणी घाट से हमें। अब निकल के हैं हम त्रिवेणी घाट से, गाड़ियों बैठ गए हैं और सीधा जा रहे हैं हम हरिद्वार। हरिद्वार हर की पौड़ी जाएंगे अब हम वहाँ से। यहाँ से इधर की जाने के लिए तो ट्रैफिक है, लेकिन इधर जाने के लिए कोई ट्रैफिक फिलहाल मेरे को लग नहीं रहा है कि हमें मिलेगा, क्योंकि इस टाइम थोड़ा लेट हो गए ना उस वजह से। और साथ में यार मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है जो यहाँ पर ये आरती के बाद में भगवान के भजन के ऊपर सब जो क्रिया कर रहे थे, नृत्य क्रिया, तो आप लोगों को कैसा लगा है वो तो आप लोग मेरे को कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताइएगा। और आप लोग अगर आना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जो आरती का समय होता है ना, जब सूर्य जो छिपने का समय होता है, सूर्यास्त का जो समय होता है, उसी के टाइम पे आरती होती है, तो उसके जस्ट बाद ये पूरा प्रोग्राम किया जाता है यहाँ पे और डेली होता है। तो आप लोग आना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको इन्जॉय कीजिए, क्योंकि मेरे को, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मोहित भाई मेरे को लेके आए थे कि यार यहाँ पे ऐसा होता है, तो मैंने कहा बिल्कुल चलते हैं। तो भाई यहाँ पर बहुत अच्छा हमें लगा है इसको। भाई अंकित कैसा लगा है भाई? बहुत बढ़िया भाई, मोहित भाई से तो पूछने की बात ही नहीं क्योंकि मोहित भाई तो मैं लेके आए। जब मैं आ गया हूँ घर पर, पूरे रास्ते में कहीं पे मेरे को व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर जाम बहुत ज़्यादा था पूरे रास्ते में, और फिर थक भी मैं चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार घर जाके आप लोगों से अब विदाई ली जाए। तो यार इस व्लॉग को कहीं पे एंड करते हैं अब। दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को मेरा शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय।